हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे अंडा कढ़ी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, हमारा एक और भी चैनल है जिसका नाम है ड्रेस डिज़ाइन खैर, तो आप मेरे वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अंडा कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्रेशर कुकर ले ली, उसमें हम अंडा पानी नमक डालने उबालने के लिए रख देंगे और 2 से 3 सीटी लगने तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे 2 से 3 सीटी हो गए और हमारा अंडा जो है बॉयल हो गया है। हमने एक कढ़ाई ली, उसमें तेल गरम करें और यहाँ पे जो हमने अंडा उबाले थे उसके छिलके निकाल लिए और इसे हम अब गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमने अंडे को गोल्डन ब्राउन कर लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे एक बड़े साइज़ के आलू लिए और इसे इस तरीके से कट कर लिए। उसके बाद हम इसे अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद हम इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे आलू है जो गोल्डन ब्राउन हो गए और साथ ही साथ अच्छे से ये पक भी जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम मसाला पीसने की तैयारी करेंगे। यहाँ पे हमने मसाला पीसने में 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 5 हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा ज़ीरा हमने लिए। बस इन मसालों को हमें पीस लेना है। और यहाँ पे हमने जो तड़के के लिए आधा कांदा ले लिए और इसे इस तरीके से स्लाइस कर लिए। अगर आप मीडियम साइज़ का ले रहे हैं तो आधा लेंगे, अगर आप काफ़ी छोटा ले रहे हैं तो एक लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो मसाले जो थे हमने यहाँ पे ग्राइंड कर लिए और अब इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मटर, फिर इसमें हम डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। फ्रेंड्स, हमने जो मसाला पीसे थे उसका जो जार में थोड़ा मसाला लगा हुआ था तो हमने पानी डाल के इसे अच्छे से साफ़ कर लिया और थोड़ा सा इसमें पानी हम डाल दिए। फिर से हम 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। फिर उसके बाद हम फ्रेंड्स इसमें हम जो आलू जो गोल्डन ब्राउन करे थे वो इसमें डाल देंगे और फिर इसे ढक के हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें डाल देंगे कोथमीर चॉप करके। इससे जो है फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, काफ़ी अच्छा से फ्लेवर हो जाता है इसमें अगर आप चॉप करके कोथमीर डालेंगे तो। फिर इसे हम 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम 1 से 1.5 गिलास उसमें पानी डाल देंगे। फिर इसे हम 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें अंडा डाल देंगे और फिर फ्रेंड्स, हम इसमें इसे जो है 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे और काफ़ी जो है अच्छा बनता है। अगर आप चाहे तो तीखा करना चाहते ज़्यादा तो आप इसमें और अच्छी मतलब हरी मिर्ची डाल सकते हैं, ज़्यादा ही डाल सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा बनता है। अगर जैसे टमाटर होता है, टमाटर से इससे जो का जो टेस्ट होता है थोड़ा मीठा मीठा होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। अगर आप चाहे तो इसको तीखा भी कर सकते हैं।